अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमी। ओके बच्चों, जैसा कि आपको बताया, कल हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी किया था। हमने देखा था कि किस तरह साइंटिस्ट ने, या एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन बेसिकली इसको कहा जाता है टू किंगडम सिस्टम को, किस तरह ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया था, एक किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। और जहाँ पर हमने अपना लेक्चर एंड किया था, वो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि यूग्लिना के प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। प्लांट लाइक के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके पास क्या आते हैं? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मींस कि खाना खाने का, उसको हजम करने का, और किस तरह इसको एक्सक्रीट करने का वे है, तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करता है यूग्लिना जो है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए, क्योंकि प्लांट्स को रखने के लिए, फंजाई को रखने के लिए, बैक्टीरियाज को रखने के लिए तो हमारे पास किंगडम प्लांट ही था, और एनिमल्स को रखने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को रखने के लिए हमारे पास किंगडम एनिमेलिया था। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया एक न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको कहा गया किंगडम प्रोटिस्टा। सॉरी, ये स्क्रीन हो गई है ज़ूम इन। प्रोटिस्टा, ये था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन का तीसरे वाला स्टेप, जिसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये करवाया था 1886 में एक साइंटिस्ट घुसने हैं, जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। इसने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था कि यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिज्म है, जिनके प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाए, उनको इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा जाए, इसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। अब यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ गए, ये एक क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको पता है किंगडम प्लांटी के अंदर बैक्टीरियाज भी थे आपके पास, और फंजाई भी थे। ये दो चीज़ें भी किंगडम प्लांटी के अंदर थी। अगर हम देखें फंजाई को, तो आपको पता है कि फंजाई के एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहली बात की जाए सेल वॉल की ना, तो आपको पता है कि सेल वॉल जो प्लांट्स की होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज से, प्लांट्स की। लेकिन फंजाई की सेल वॉल बच्चों बनी थी काइटन से, ना तो एनिमल के अंदर तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एम्प्टी थी, ठीक है, एनिमल्स के अंदर थी ही नहीं। प्लांट के अंदर सेलुलोज की, आप कोई भी प्लांट उठा लो, किसी भी तरह का अंडरग्राउंड के अंदर कोई प्लांट उठा लो, उसके सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज से ही बनी होगी। और फंजाई की जो सेल वॉल देखी गई थी वो काइटन से बनी हुई थी, एक पॉलीमर होता है, इसे बनी हुई थी। अब साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी सेल वॉल का सबसे पहला मेन इशू आ जाता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो कार्टन की बनी होती है। सेकंड मेन इशू आता है इसकी नेचर या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जो कि ये है कि फंजाय जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, मींस कि अपना खाना जो है वो खुद ब खुद नहीं बनाते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स हैं, मींस कि ये अपना खाना जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। अगर कभी बच्चों आप लोग ने फंजाई का स्ट्रक्चर देखा हो ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जनरली ड्रा भी करती हूँ, ऐसे और ऐसे, ये फंजाई का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जनरल मैं रफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आपने देखा होगा उसकी कुछ रूट्स होती हैं, अगर आप लोगों ने फंजाई देखी हो कभी, आप लोग मींस के कभी आप लोग ये फील्ड्स वगैरह में गए हो, या आप लोग कभी हाइकिंग वगैरह पे गए हो, तो वहाँ पर अक्सर जो होती हैं ये फंजाई जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये जो जिस तरह प्लांट के रूट हेयर्स होते हैं ना, सेम इसी तरह इनके अंदर माइसीलियम होता है, इसको माइसीलियम कहा जाता है। इस माइसीलियम का ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया टू रेशो होती है, मींस के यहाँ पर अब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। जो फंजाई होती है ना वो इसके थ्रू ही अपने अंदर जो होता है फूड लेकर जाती है, तो ये अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है। इस माइसीलियम के थ्रू जो होता है इसका खुराक जो होती है, इसका खाना जो होता है वो इसके अंदर तक जाता है। बच्चों इस किंगडम को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी, मींस किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी, जो फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म थे वो अभी भी क्वेश्चन मार्क थे।
मीन्स के फंजाई जैसे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म्स को किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए। और इस तमाम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो एक मैकेनिज्म था उसको प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि पांच किंगडम जो हैं वो क्लासिफिकेशन के होने चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बेसिस पे भी डिवीजन हो, मीन्स कि हम उनको अच्छी तरह सेपरेट कर सकेंगे। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी है, ये हमारे पास यूकैरियोट्स की कैटेगरी है। उसके अलावा उनके मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर, उनकी सेल वॉल की प्रेजेंस के ऊपर, उनका मैकेनिज्म के ऊपर इन्होंने पांच साइंटिस्ट ने पांच इनको डिफरेंट किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नेम बताऊंगी, बाकी इसकी डिटेल हम कल ही पढ़ेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा, उसके बाद बच्चों आता है किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर थर्ड पर आता है किंगडम फंजाई, नंबर फोर्थ पर आता है किंगडम प्लांटे और नंबर फाइव पर आता है किंगडम एनिमेलिया। ये जिस तरह मैंने पैटर्न में लिखे हैं ना कि किंगडम मोनेरा पहले है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, फिर प्लांटे और एनिमेलिया, बच्चों यही पैटर्न आप लोगों का पेपर में भी होना चाहिए, क्योंकि मोनेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, फिर प्रोटिस्टा आती है, फिर फंजाई आते हैं, फिर प्लांट आते हैं और फिर आपके पास एनिमल्स आते हैं। आपको पता है एनिमल सबसे कम्प्लेक्स जो है वो चीज़ें हैं, जो कि प्लांट से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, फंजाई से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन जो की गई है, इसका जो पैटर्न बनाया गया है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो ये आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है और आगे पीछे इसको नहीं करना। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किंगडम मोनेरा से लेके किंगडम एनिमेलिया तक, ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस है। इसी के अंदर सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म्स आ रहे हैं वो इसी के अंदर आ रहे हैं। सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन यही है। इस बारे में हम कल इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिज्म्स किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, इनका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये वाला लेक्चर जो थोड़ा सा लेंथी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर हर तरह से डिटेल प्रोवाइड करूँ। हम दो दिन लगा के इसको इस तरह कंप्लीट करेंगे कि किस तरह किंगडम की क्लासिफिकेशन जो है वो फाइव किंगडम्स के अंदर की गई है और किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मैं एक एक ऑर्गेनिज्म्स की एग्जाम्पल भी लूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह जो अपनी खुराक होता है वो लेके जाता है, किस तरह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नहीं अच्छे से, तब तक के लिए फी मानी ला।